एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि आप हमें माघ मास का महात्म्य सुनाइए। सूत जी ने उनके इस प्रश्न की सराहना करते हुए कहा कि मुनिवरों, मैं आपके कहे अनुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो कोई प्रातः काल में उठकर इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्यों की वृद्धि और पापों का नाश होता है। एक बार की बात है, सूर्यवंशी महाराज दलीप ने यज्ञ अनुष्ठान पूरा करके अवभ्रत स्नान किया था। इसके बाद उन्होंने वशिष्ठ जी से माघ स्नान करने से क्या फल मिलता है, ऐसा प्रश्न पूछा। वशिष्ठ जी बोले, जो लोग बिना ही यज्ञ किए, बिना तालाब कुआं खुदवाए, बिना बगीचा लगवाए ही उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को माघ मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। जो लोग गाय, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और अनाज आदि का दान करने में समर्थ नहीं है और फिर भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो उन्हें माघ के महीने में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। माघ मास में जप, होम और दान, ये तीन बातें विशेष महत्व रखती हैं। जो लोग माघ के महीने में सुबह उठकर स्नान करने के बाद अनेक प्रकार के दान और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे लोग सीधे वैकुंठ वास पाते हैं। खाने और पहनने की मन पसंद चीजों का त्याग करें और उनका दान करें। ब्रह्मचर्य से रहें। ऐसे नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति के सभी अधर्मों की जड़ कट जाती है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान करें तो मनोकामना पूर्ण होती है और निष्काम भाव से स्नान करने वाले को मोक्ष मिलता है। अन्य पुण्य करके स्वर्ग गए हुए मनुष्य को पुण्य की समाप्ति होने पर स्वर्ग से वापस लौटना पड़ता है, किंतु जो लोग माघ स्नान करके स्वर्ग जाते हैं उन्हें कभी लौटना नहीं पड़ता। माघ स्नान से बढ़कर कोई व्रत, तप और साधन नहीं है, यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। रघु ऋषि ने कहा था, जो मनुष्य माघ महीने में क्षितिज लाल होने तक किसी नदी पोखर में नित्य स्नान करता है, वह माता पिता की कुल की सात सात पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक को जाता है।